मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले अवधि में शेर से साक्षात्कार नामक पाठ के प्रश्नोत्तरों को देख रहे थे। इस अवधि में उस पाठ से संबंधित व्याकरण भाग को आज हम देखेंगे। देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द लिखना है, दो दो समानार्थी शब्दों को हमको लिखना है। कौन सा है? जंगल है। जंगल, जंगल यानी कि क्या कहते हैं उसे? वन भी कहते हैं और अरण्य भी कहते हैं। एक है उसके दो पर्यायवाची शब्द हो गए, वन और अरण्य। एक है शेर, शेर का है सिंह, सिंह कहते हैं और वनराज भी कहते हैं। पीड़ा, पीड़ा यानी कि कष्ट और दर्द। नौकर यानी कि सेवक और दास। रात, रात्रि निशा। आगे भय, डर और खौफ। यानी शरीर, शरीर की तन और काया। ये क्या है? नेत्र यानी कि आंख और चक्षु। ये क्या है? इन सभी शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, नीचे दिए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। नीचे जो शब्द है वह अशुद्ध रूप में है, उनको क्या है? शुद्ध रूप में करना है। आश्वासन, क्या दिया? आश्वासन दिया गया। इसका क्या है? आश्वासन। जो क्षण है वो क्या है? सन होना चाहिए। आश्वासन। आ है और आधा स है और वा है। आधा स जो है उसे क्या वो क्या होना चाहिए? वो श होना चाहिए, शंकर श होना चाहिए। और आगे क्षण है वो सन होना चाहिए। आगे क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार है उसे क्या है? श्रृंगार होना चाहिए। जो उसमें क्या है? एक लाइन निकाल देनी चाहिए। जो श्र है, श्र में जो एक लाइन है उसे क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। आगे साक्षात, क्या है? साक्षात है वह क्या होना चाहिए? साक्षात होना चाहिए। क्षा जो है वह क्षा, क्षा होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन क्षा होना चाहिए। ठीक है, वरदमा, वरादमा क्या दिया है? वरादमा दिया है, वह क्या है? बरामदा होना चाहिए। बरा मदा, बरामदा है वह बरामदा, वह जो है वह ब होना चाहिए। मृत प्रायः, जो मृत प्रायः है वह क्या है? मृत प्रायः, प्राय प्राय क्या है? जो दो डॉट है उसको निकाल देना चाहिए, मृत प्राय। आगे आक्रमण, आक्रमण हुआ है वहां पे, आक्रमण हुआ है उसे क्या करना चाहिए? आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, समाधि, जो धी जो है वह और जो ई की मात्रा बड़ी है वहां पे उसको क्या करना चाहिए? छोटी ई की मात्रा लगानी चाहिए। आगे गुर्राहट, वो गुर्राहट है उसे गुर्राहट किया है, गुर्राहट रा के ऊपर जो रा की मात्रा आना चाहिए, गुर्राहट। आगे निस्तब्ध, निस्तब्ध आया है उसे क्या करना चाहिए? निस्तब्ध, वो क्या होना चाहिए? निस्तब्ध, निस्तब्ध। जो पूरा ब और द दिया गया है उसमें क्या करना चाहिए? उसमें सिर्फ वो ब है उसे हाफ देना चाहिए। आकृति, वहाँ पे आकृति दिया है, क्या करना चाहिए? जो र की मात्रा वहाँ पे जो र की मात्रा है उसे रू की मात्रा देनी चाहिए, आकृति होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। नीचे कुछ शब्द है, हाँ, उनमें क्या करना है? हमें एक शब्द से दो दो वाक्य बनाने हैं और दोनों वाक्य अलग अलग होने चाहिए। क्या है? कुछ दिया, देखिए, घोष बाबू का सोने का कमरा कुछ छोटा था और चोर सोने का हार भी चुरा कर ले गया। देखिए यहाँ पे सोने जो है दो रूपों में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक में क्या, फर्स्ट सेंटेंस में क्या किया है? सोने यानी कि स्लीपिंग, सो जाना, इसके बारे में जो सेंटेंस किया है। दूसरे में सोने यानी कि गोल्ड, गोल्ड के बारे में वहाँ पे सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? हमें ओन सेंटेंस में अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। कौन कौन से शब्द है? पूर्व, दो, पर, पाया, रूप, हार, भाग, बाल। इन सभी शब्दों को हमें कैसे वाक्य में प्रयोग करना है? उनके दो दो अर्थ निकलने चाहिए, डिफरेंट मीनिंग आने चाहिए, उन शब्दों से डिफरेंट मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, आपका कार्य, आपको क्या करना है? उन सभी शब्दों से वाक्य बनाना है। ठीक है, आगे जो है उनको हम क्या करेंगे? आप
आज जो उन सेंटेंस है उनको कर लीजिएगा, ठीक है। कल की अवधि में जो विषय है उसको हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।